सच वाले लोगों को यह कहना चाहते कभी किसी में कोई कमी नहीं होती, बस मेहनत की जरूरत होती। ऐसा मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसा भी होगा जो आज मैं देख रही हूँ, सुन रही हूँ, मैंने ऐसा कभी भी सोचा नहीं था। सच में मैं जब यहाँ से गई थी तो मैं तबीयत फ्लाइट में ही खराब हुई थी, वहाँ पे मैं बीमार थी बहुत ज्यादा। As a sports journalist, I consider myself very lucky and privileged that I get to interview some of the biggest heroes of our country, the ones that not only represent our country at the international level, but also win a lot of medal and bring a lot of glory to our nation. But today's interview is special because the person that I'm interviewing is not just an inspiration, has not just brought glory to our nation, but is the perfect example or the perfect story of the triumph of the human spirit against all odds. I'm talking about a teenager, a 16-year-old Sheetal Devi, that is the first armless female archer of the world. आप में से कई लोग नहीं जानते होंगे, लेकिन जो सोशल मीडिया में वो इनको ज़रूर जानते होंगे, क्योंकि सोशल मीडिया में ये अभी काफ़ी वायरल हो गई है, काफ़ी पॉपुलर हो गई है। मैं सबसे पहले तो आपसे जानना चाहूँगा, मैं सारे इवेंट वगैरह के बारे में बात करूँगा, आप हैं सोशल मीडिया पे हैं आप? हाँ जी। तो आपको पता चला कि आपकी इतनी बातें हुई, पूरे इंडिया में आपकी चर्चा हो रही है, इसके कुछ अंदाज़ा हुआ? ऐसा मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसा भी होगा जो आज मैं देख रही हूँ, सुन रही हूँ, मैंने ऐसा कभी भी सोचा नहीं था। आप, मैंने देखा प्राइम मिनिस्टर से मिली, उन्होंने आपसे कुछ कहा भी, मोदी जी ने क्या कहा आपसे, और कुछ आपके मैंने देखा मेडल को भी साइन करते नजर आए? हाँ जी, उन्होंने मुझे मोटिवेट किया कि ऐसे करते रहना आगे और देश को मेडल देते रहिए, और बहुत अच्छा किया। अच्छा, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपसे मैं अभी बात कर रहा हूँ ना, आप इतने सॉफ्ट स्पोकन हो, इतने धीरे धीरे बातें करते हो, है ना, ऐसा मुझे लगता है आप घबराए हुए हो, लेकिन जब मैं आपका परफॉर्मेंस देख रहा था ना, तो जैसे कोई शेरदिल कोई खिलाड़ी होता है ना, वैसे परफॉर्मेंस था। मैं आपका वो फाइनल देख रहा था, आप पीछे ट्रेल कर रहे थे शुरुआत में, लेकिन लास्ट तो जो सेट मारे आपने सारे टेन, तो ये आपके पास जज्बा कहाँ से आता है कि मतलब जब इतना प्रेशर है फिर भी आप अपना बेस्ट दे पाते? ये हमें कोच ने सिखाया है कि कभी हारना नहीं चाहिए, जब तक आप फील्ड पे हो पूरा अपना फोकस सब अपनी शूटिंग पे देना चाहिए। तो जब हम कोच जब मेरे पीछे होता था तो फिर यही कहता था कि पहले हारना नहीं चाहिए, लास्ट तक पूरा फोकस रखना चाहिए वहीं पे। तो जब मैं वहाँ पे थी, मुझे कोच अपनी कोच की बात याद आती थी कि मुझे कोच सर ने कैसे कैसे बताया था मुझे वैसा ही करना है। तो जब मैं पहले मैंने जब मारा था तो फिर मेरे माइंड में चल रहा था कि पता नहीं अब क्या होगा, कैसे होगा। तो फिर हमेशा कोच पीछे होते थे तो वो आते थे मेरे पास बोलने, बट इस बार कोच नहीं थे वहाँ पे। तो फिर मुझे अपने कोच सर की बातें याद आ रही थी कि उन्होंने मुझे ऐसे बोला था कि कभी ये मत सोचना मैं हार जाऊंगी, तो लास्ट तक अपना बेस्ट देना चाहिए। तो मुझे मैंने वही किया वहाँ पे। Devi needs two tens more than ever now. She's got one. With one arrow left. Devi, with her last arrow of the contest. With the tent, she's finished brilliantly. अच्छा, मैं ना अपने जो दर्शक देख रहे हैं उनको बताना चाहूंगा, ये सिर्फ ये जो भी एशिया पैरा चैंपियनशिप हुई है वहां पर ही इन्होंने ये परफॉर्मेंस नहीं दिया है, वर्ल्ड आर्चरी हुई थी ना वहां पर भी मैंने आपका देखा था, आपको सिल्वर मिला था, वहां पर भी आप प्रेशर में थी, ठीक है आपको सिल्वर मिला, लेकिन फाइनल में लास्ट में आप 10 पे 10 मारे जा रही थी, तो उस वक्त मैंने सुना आपकी तबीयत भी खराब थी, और आपको जब आप फ्लाइट ले रही थी तब भी आपकी तबीयत खराब थी, थोड़ा हमारे दर्शकों को बताएं। मैं इसलिए जानना चाहता हूँ ये कहानी ना, आप जो ये कहानी बताएंगे इससे बहुत लोग प्रेरित होंगे आगे जाके। सच में मैं जब यहाँ से गई थी तो मैं तबीयत फ्लाइट में ही खराब हुई थी, वहाँ पे मैं बीमार थी बहुत ज़्यादा, मुझे हॉस्पिटल में एडमिट किया था, ड्रिप लगाई थी मुझे, तो बहुत ज़्यादा तबीयत खराब थी। फिर भी मैंने हिम्मत रखी, मैंने खेला,
तो मुझे अच्छा लगा, मुझे सर ने बताया था हिम्मत कभी हारनी नहीं चाहिए, तो मैंने हिम्मत रखी तो खेला। कैसे आपने आर्चरी की तरफ गई, क्योंकि मुझे ये सुनने में आया कि आप पेड़ पे चढ़ जाती थी बड़ी आसानी से, हैं तो वहाँ से किसी को पता चला यार इसमें तो एथलेटिक एबिलिटी है, तो ये बचपन से ही बाकी बच्चों के साथ आप पेड़ पे चढ़ जाया करती थी? सबसे पहले हम जब घर पे होते थे बस हम स्कूल जाते थे दोस्तों के साथ आके खेलते वेलते थे, हम पहले लकड़ी का धनुष बनाते थे ऐसे खेलने के लिए, हमें नहीं पता था कि सच में धनुष होती है। फिर बाद में जब मैं बैंगलोर गई थी ट्रीटमेंट करने के लिए, वहाँ पे प्रीति मैम मिली, उन्होंने मुझे स्पोर्ट्स के बारे में बताया। स्ट्रेंथ मुझे पहले से ही थी अच्छे, मैं पैर से ही सब कुछ काम करती थी पहले से ही और आज भी करती हूँ। क्या क्या कर लेते थे आप पहले पैर से ही, मतलब लिखना, मोबाइल पे स्क्रॉल करना, सब कुछ? हाँ जी, पढ़ना लिखना, मोबाइल चलाना, सब पैर से करती हूँ, खाना खाना। अगर आप इनके जो कंपेटिटर्स हैं जिनके साथ ये कम्पीट कर रहे थे, कई व्हीलचेयर्स में थे या अलग तरह के पैरा एथलीट्स थे, लेकिन उनके हाथ थे तो उसके साथ वो कर पाते थे। एक लेकिन मेन आर्चर थे आपसे बहुत पहले, शायद आप कुछ 5-6 साल की होंगी, मैट श्वार्ट्समैन करके अमेरिका के थे अगर मुझे याद आता है सही, उन्होंने ऐसा किया, तो कहीं ना कहीं आपने उनके कुछ वीडियो देखे, आपके कोच ने उसके बारे में कुछ बताया, क्या वहाँ से भी कुछ प्रेरणा मिली? मैंने वीडियो देखी थी, मैट है जो USA के हैं उनकी वीडियो देखी थी मैंने, पर मुझे विश्वास नहीं हो रहा था मैं भी ऐसा कर पाऊँगी। तो जब मैं सर के पास आई थी, सर ने मुझे बोला कि तू कर पाएगी, उन्होंने मुझे विश्वास दिलाया तू कर पाएगी, तब जाके मैंने किया। तो आप शुरू में जब आपने स्टार्ट किया होगा, पहले कुछ जो 2-4-5 दिन है उसके बारे में कुछ बताएंगे, कितनी मुश्किल आती थी, क्या क्या होता था, मतलब क्या आप धनुष पकड़ भी पाते थे, पकड़ पाते थे, क्या पहली एरो जाती थी, कुछ उसके बारे में बताएं? सबसे पहले मैंने जो बो पकड़ा था मुझे पकड़ा नहीं जा रहा था, तो फिर वो बहुत भारी होता था, उठा नहीं पा रही थी मैं, फिर सर ने मुझे थोड़ा हल्का करके दिया तब जाके मैंने उठाया। सबसे पहले मेरे एरो नहीं बज रहे थे, तो मैं परेशान होती थी कि सबके एरो बजते हैं मेरे नहीं बजते, मैं ऐसा सोच रही थी कि मैं नहीं कर पाऊँगी, जब एरो नहीं बजते तो मैं बहुत परेशान होती थी पहले पहले। फिर उसके बाद आपका कैसे, फिर क्या 10 जाने लगे, 10 से 50 किए होंगे, और आज आप कितने एरोज करती हैं दिन में? दिन में से हम 300 एरो चलाते हैं, पहले मैं 50-60 एरो चलाती थी पहले। आनंद महिंद्रा जो महिंद्रा ग्रुप के हैं चेयरमैन, वो आपकी स्टोरी को लेकर इतना इंस्पायर हुए, उन्होंने कहा है कि भाई शीतल आप पिक करें आपको महिंद्रा की कौन सी गाड़ी चाहिए, आपके मुताबिक कस्टमाइज करके वो तैयार करेंगे, आपको समय मिला उसके बारे में सोचने के लिए? हाँ जी मैंने देखा, मैं उनको थैंक्स कहना चाहती हूँ कि इतना बड़ा मौका दिया उन्होंने मुझे, बहुत बहुत शुक्रिया उनका। तो आपने डिसाइड किया कौन सा मॉडल आप चलाएंगी? अभी नहीं। अच्छा, तो जो भी है आप एक अगर अपने घर में ना, जो आपका गांव है वहाँ पे एक जगह गैराज में जगह तो अभी आप बनानी तैयार कर दें, जब भी आएगी वो आप चलाएंगे। अच्छा मैं जानना चाहता हूँ आपकी फैमिली के बारे में कुछ बताएं, आपकी बहन जो थी, आप शायद बड़ी हैं वो छोटी हैं, उनका क्या आपको हेल्प रहती है, और जहाँ से आपने शुरुआत की अब जाकर वो कितना प्राउड फील करते हैं आपको देखकर? हम कटरा में रहते हैं अभी, तो मेरी मम्मा साथ में होती है, मेरी बहन साथ में होती है छोटी बहन, और जहाँ भी कुछ जहाँ पे कैंप में जाते हैं मेरी बहन मेरे साथ होती है, और अब मैं गई थी खेलने चाइना, वहाँ पे एक लड़की मेरे साथ थी, रोमिका दीदी मेरे साथ थी, मेरी बहन छोटी थी वो नहीं आ पाई तो वो साथ में थी, तो बहुत हेल्प की उन्होंने मुझे। कटरा जब गए अपने घर से दूर गए, अब तो आपकी बहन है आपकी मदर है, एक टाइम शायद शुरुआत में आप अकेले थे, उसके बारे में बताएंगे कैसा था घर से थोड़ा दूर रहना, ट्रेनिंग करना इस चीज़ के लिए, घबराए हुए थे? पहले मैं सोच रही थी कि घर चले जाऊं, यहाँ पे नहीं रहूं, छोड़ दूं, तो मैं ऐसा लग रहा था मैं नहीं कर पाऊंगी तो क्या करूं यहाँ पे, तो बाद में अब मुझे घर जाने का मन नहीं है, मैं सोच रहा हूं बस अब करते रहूं, ऐसे ही करते रहूं जैसे अब कर रही हूं। मैं आपको सच बताना चाहता हूं और जो हमारे दर्शक देख रहे हैं उनको भी बोलना चाहता हूं, कई बार आपका एग्जाम होना, आपकी तबीयत ठीक नहीं होती तो आपका एग्जाम अच्छा नहीं जाता, आप बोलोगे यार मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, आप स्कूल में मैच खेलने जाओगे उस दिन बोलोगे मौसम ठीक नहीं था यार, गर्मी ज़्यादा थी इसलिए नहीं खेल पाया। तो अगर आप कभी भी ऐसे बहानेबाजी करते हो ना, तो आप ज़रा शीतल की कहानी देखें, जब आप इनकी कहानी देखेंगे तो शायद आपको अंदाज़ा होगा, अगली बार आप जो भी चीज़ करेंगे 100% ट्राई करिएगा, बहानेबाजी वहाँ पर मत करिएगा कि यार ये छोटी सी परेशानी थी, ये छोटी सी परेशानी थी, अगर जो परेशानी इनको थी उससे ये पार पा सकती हैं तो आप और हम तो कुछ भी नहीं, हम जो भी करते हैं हमें उसमें बेहतर करने की कोशिश करनी चाहिए। एक चीज़ मैं और आपसे जानना चाहूँगा, क्योंकि आपकी कहानी के बारे में बात कर रहा हूँ, एक समय ये भी आया था आपने प्रोस्थेटिक्स लेने की कोशिश करी थी, फिर वो टेक्निकली वो चीज़ नहीं हो पाई थी, तब आपके जहन में क्या जा रहा था, आप उदास हुए थे, आप थोड़े डाउन हुए थे? मैंने लगवाई थी बाजू,
और मुझे लगा था उनसे कुछ काम होगा तो, बट उनसे कुछ काम नहीं हुआ और वो भारी थे। जब मैंने लगाया था तो मुझे अच्छा लगा था वो, तो बाद में वो भारी जब लगाने लगी तो भारी लग रही थी, तो फिर मैंने नहीं लगवाई। तब आपको कुछ ऐसा हुआ, उदास हुए कि यार ये एक ऑप्शन था ये नहीं हुआ, या आपने उसको देखा कि नहीं कोई बात नहीं ये चीज़ नहीं हो रही, मैं जैसी हूँ मैं उसमें और बेहतर होंगी, ये सब चीज़ें तो अलग। हाँ, ये मैंने सोचा था अगर इनसे कुछ नहीं होगा तो आगे कुछ अच्छा करूँ। अच्छा, कुछ नहीं, आपने बहुत कुछ अच्छा किया। आखिरी में जाना चाहूँगा, आप टीचर बनना चाहते हैं, वो अभी भी ड्रीम है? देखिए एथलीट का करियर तो छोटा होता है, आप कई साल करेंगी, मैं उम्मीद करता हूँ कई साल करें, ढेर सारे मेडल भी जीते, लेकिन टीचर बनने का वो सपना रहेगा आगे जाके? अब वो ड्रीम नहीं, अब नहीं, अब क्या है आपका ड्रीम? अब मुझे अपने देश को काफी सारे मेडल देने हैं। वाओ, और कुछ अब मैंने जिन लोगों के बारे में बात की ना जो बहानेबाजी करते हैं, शायद उसमें मैं भी हूँ, हम कहते ना यार आज मैं थका हूँ, मेरे यहाँ पैर में दर्द है, मैं यहाँ नहीं जाऊँगा, ऑफिस नहीं जाऊँगा, कुछ मैसेज आप लोगों को प्रेरित करने की देना चाहेंगी कि यार कैसा भी हो? उनको मैं ये मैसेज देना चाहती हूँ, कभी हिम्मत हारनी नहीं चाहिए, कुछ भी हो जाए हिम्मत अपनी हारनी नहीं चाहिए, विश्वास रखना चाहिए अपने आप पे, बस वो करके दिखाना है।